कानपुर कमिश्नरेट हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र में तहरीर दी गई थी। नारायण रीजेंसी में होटल मैनेजर रोहित के द्वारा होटल में रखे हुए 2,15,000 रुपए नकद, होटल की मोपेड मोटरसाइकिल, रिसेप्शन का मोबाइल चोरी करके भाग था। वही हरबंस मोहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत होटल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन किया तो उसमें अभियुक्त रोहित ने होटल से पैसे निकालकर मोबाइल व मोटरसाइकिल ले जाते हुए दिखाई दिया। इसके पश्चात सर्विलांस सेल पूर्वी जोन की मदद से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मुखबिर की मदद से पुलिस ने चोरी के माल के साथ दो चोरों को किया गिरफ्तार, जिसका खुलासा हरबंस मोहाल थाने में डीसीपी पूर्वी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। चोरी की वारदात का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को दिया जाएगा 25,000 रुपए का पुरस्कार। देखिए, यह घटना हुई थी 29 तारीख को। यह होटल है श्री नारायण रीजेंसी करके, और यहाँ पे एक मैनेजर थे मिस्टर रोहित। तो इनके द्वारा ये चूँकि मैनेजर थे होटल के, बैठते थे तो जो होटल के मालिक थे कॉन्फिडेंस था, और इन्होंने एक क्रिमिनल बीच आप टच किया और लगभग 2 लाख रुपया लेकर के वहाँ से भाग गए, और उसमें बाइक भी ले गए और मोबाइल था वो भी ले गए। होटल के जितने व्यावसायिक संघ के लोग हैं उन्होंने हमसे मिला, हमारे एसीपी से मिले, तमाम प्रेस के भी जो लोग थे वो लोग भी मिले कि साहब एक गंभीर घटना है और बेसिकली एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि हमने किसी को विश्वास पे रखा है और उसने विश्वास को भंग किया। हमारी टीम लगी, एसीपी लगे, हमारे इंस्पेक्टर हरबंस मोहाल लगे, और सर्विलांस के आधार पे जो हमने डाटा को पूरा जो रिकवर किया और लगाया तो हमारी सर्विलांस टीम बाकी टीम के द्वारा इसको रोहित को अरेस्ट किया गया है, जिससे पैसा भी बरामद हुआ है, मोबाइल भी बरामद हुआ है। उसने बताया कि इस घटना में एक और था अमरीक करके, जिसने उसको सपोर्ट किया था क्राइम करते समय और फैसिलिटेट किया। तो कैसे ट्रैक किया गया, कैसे पकड़ा गया? देखिए, पहली तो जैसा कहा ना कि ऑपरेशन त्रिनेत्र हमारे यहाँ सीपी सरकार जो निर्देश है, अब उससे हम लोगों को बहुत सहूलियतें मिलने लगी। लगभग हर पॉइंट पे हमारे कैमरे हैं और मैक्सिमम एक्टिविटी को हम ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कैप्चर कर ले रहे हैं। तो पहला भेजी जब हम लोगों ने कैमरे को देखा तो उसमें मूवमेंट करते हुए, बाइक लेते हुए, बाकी चीज करते हुए देखी। होटल के अपने कैमरे थे प्लस रोड के जो कैमरे थे उससे, प्लस हमने सर्विलांस की मदद ली, कैमरे से इस आधार का पुख्ता हो गया कि इसने क्राइम किया जो कि भागा हुआ था। बाकी डिटेल ये है, रीजेंसी करके होटल है, श्री नारायण रीजेंसी करके होटल है, ये हरबंस मोहाल का। तो ये पूरा का पूरा केस वर्कआउट हुआ है। जो इनकी मोपेड है उसकी भी सूचना मिली हुई है, हमारी टीम गई हुई है जहाँ पे इन्होंने रखना बताया है। संभवतः उम्मीद है कि घंटे दो घंटे में वो भी बाइक हमारी बरामद। आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन ये चैलेंज के रूप में था। मैंने इंस्पेक्टर को कहा कि एक व्यापारियों से जुड़ा मामला है, क्योंकि व्यापारियों के बीच में एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो डेवलप हो रहा है वो डेवलप नहीं होना चाहिए, और एक गलत परंपरा बनेगी अगर इस तरीके के लोग सक्सीड होते हैं अपने काम में। तो मैंने तत्काल 25,000 रुपये का इनाम डिक्लेयर किया गया और पूरी टीम लगी गई और टीम को लग करके फाइनली इसको अरेस्ट किया।